बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में। हम लोग आज बात करने वाले हैं संतान प्राप्ति के योग पर। देखिए, हमारे यहाँ ज्योतिष के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके हिसाब से हम संतति उत्पत्ति के लिए विचार किया जा सकता है या उस प्रकरण में। देखिए, यहाँ पर संतान प्राप्ति के कुछ योग और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो ऐसे दिन हैं जब हमें ये गर्भधारण करना चाहिए। हालांकि मैं गर्भधारण को लेकर विशेष एक मुहूर्त की वीडियोस में मैं आपसे पहले चर्चा कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको लगभग उसके सभी नियमों को बहुत विस्तार से बताया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस कार्यक्रम को देख सकते हैं। लेकिन आज हम जो आज के कार्यक्रम में चर्चा यहां पर विशेष कर करने वाले हैं, उसमें हम ये देखेंगे कि जन्म कुंडली से हम कैसे विचार करें। आप अपनी जन्म कुंडली खोल सकते हैं और उस पर विचार कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए, देखिए मैं पांच चीजें यहां पर आपको बताने वाला हूं, पांच सूत्र आपको यहां पर बताने वाला हूं। सूत्र क्या होता है, देखिए हम लोग कई बार क्या होता है कि हम डेट सर्च करते हैं, कई बार हम कुछ विधियां सर्च करते हैं, लेकिन अगर हमें फॉर्मूला समझ लिया तो हमारे आज अपने काम भी आएगा और कल अपनों के काम भी आ सकता है। नॉलेज नॉलेज होती है और हमारी जो वीडियोज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको प्रयास करते हैं वो केवल नॉलेज के लिए ही देना चाहते हैं, समझ रहे ना बात को। तो इसमें चार पांच चीजें मैं पांच सूत्र आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आप अपना बर्थ चार्ट देखिए, समझ रहे हैं। सबसे पहले लग्न चार्ट आप देखेंगे, उसके बाद मून चार्ट आप देखेंगे, यानी लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली, दो चीजें आपने देख ली। उसके बाद एक गोचर का चार्ट बना लीजिए, जो आज की स्थिति है उसमें आपके ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है। तीसरा, तीन तो हो गए, चौथा है आपका महादशा का चार्ट, और पांचवा हम इसमें देख सकते हैं नवमान शादी की स्थिति में क्या क्या है। हालांकि उस पर यहाँ पर कुछ लोग थोड़ा सा उसको अन्यथा भी लेंगे और कुछ उसकी आवश्यकता नहीं समझेंगे, लेकिन वो आप ऑप्शनल ले सकते हैं थोड़ा और पुष्टि करने के लिए, या अष्टक वर्ग आदि उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये दो ऑप्शनल आपके लिए, लेकिन चार चीजें इसमें प्रधान रूप से आ रही है। इसमें भी आप, क्योंकि नवमांश को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो चीजें मान लो जन्म कुंडली में कमजोर हो रही है, हम उसी ग्रह को नवमांश के अंदर देख लेंगे, नवमांश में वह कितना मजबूत है या कितना कमजोर है, इसलिए हमने नवमांश की बात की। अब यहां पर जो पांच चीजें मैंने आपको बताई है, सबसे पहले अब हम संतान का विचार कर रहे हैं, तो आप सब जानते हैं जैसे कि संतान माने पंचम भाव, फिफ्थ हाउस की स्थिति हमें यहां पर एनालिसिस करना होगा। क्या क्या चीजें हमें इसमें देखनी, पंचम भाव का अधिपति यानी फिफ्थ लॉर्ड कहां है कुंडली में, ज्योतिष की भाषा में पंचमेश कहां बैठा हुआ है, और स्वतंत्र रूप से पंचम भाव की क्या स्थिति है। हमें दो मुख्य बिंदु इस पर विचार करना है, पंचम भाव की स्थिति को देखना है, क्योंकि पंचम भाव में मैं आपको यह भी अलग अलग बताऊंगा कौन सी ग्रह की स्थितियां स्त्री यानी बेटा और बेटी दोनों के लिए क्या इसमें जो है माहौल बन रहा है। वैसे तो हमारे यहां इसमें साइंस भी फेल है, जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें भी कई बार आप सब जानते हैं कि बता दिया जाता है कि बेटा हो जाता है बेटी है, कई बार बता दिया बेटी है, और लोग यहाँ तक कि भ्रूण हत्या करने के विचार से करते हैं और उसके पता लगता है वो तो बेटा था। तो खैर, ये भ्रूण हत्या जैसा तो महापाप है ही, कानून भी उसके लिए सख्त है, लेकिन फिर भी ये सब आप समझते हैं कि ये सब चल रहा है। खैर, हम विषय उस पर नहीं है, हमारी जो चर्चा है उस पर नहीं है, विषय हमारा वो है ही नहीं आज का, ठीक है ना। वैसे तो इस पर हमें विचार ही नहीं करना चाहिए कायदे से, लेकिन समस्या क्या होती है कि मान लो किसी की तीन चार बेटियां होगी, तीन बेटियां होगी, अब वो तो स्वाभाविक है ना, सोचेगा कि बेटा हो, और ऐसा नहीं है, कई बार दो तीन बेटा होने के बाद लोग बेटी के लिए लालायित होते हैं, तो ये वो अलग पक्ष हो गया, उसमें भेद नहीं है, समझ रहे ना, लेकिन वो समय के अनुसार एक मांग है, तो वो चीज थोड़ा अलग हो जाती है। तो हमें वो स्त्री ग्रह कौन कौन से हैं, पुरुष ग्रह कौन कौन से हैं, नपुंसक ग्रह कौन कौन से हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो खैर, हमने पहला इसमें जो सूत्र लिया पंचमेश लग्न कुंडली में, सबसे पहले मान लो कि हम संतान का विचार कर रहे हैं तो हम पंचम भाव का विचार करेंगे, स्वाभाविक हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में हमारे पंचमेश कौन है, फिफ्थ लॉर्ड कौन है और वो कहां बैठे। अगर उत्तम संतान के लिए या उत्तम संतान की योग के लिए, दोनों चीजें यहां पर आप देखिए, उत्तम संतान के लिए भी और उत्तम संतान की योग के लिए भी हमें पंचमेश का मजबूत होना, प्रबल होना यह अत्यावश्यक हो जाता है।
अगर पंचम भाव या भावा या भावेश पंचम भावत में जो ग्रह बैठे हुए हैं, अगर वो खासकर पंचमे सागर निर्बल बन रहा है, तो ये निश्चित रूप से यहां पर इसमें इस भाव के अंदर, इस कार्य के अंदर कमी लाने का काम करेगा। वैसे हम पंचम से शिक्षा का भी विचार करते हैं और ये चीज भी अनुभूत होगा, आप उसको खुद भी नोट करके देख लें, आप उस पर रिसर्च करें, विचार करें, तो आपको लगेगा अगर फिफ्थ लॉर्ड वीक पड़ रहा है तो उससे शिक्षा में भी व्यवधान उत्पन्न होगा और फिर संतान में भी व्यवधान उत्पन्न होगा और उससे संबंधित जो जो चीजें होंगी फिर उसमें ये और भी चीज आ जाती है। मान लो पंचम से थोड़ा सा अप डाउन यहाँ पर हम, क्योंकि उसको हम सब चीज एक बार एक तरफ कर लें, पंचमेश कहाँ है, गोचर में क्या स्थिति बन रही है संतान के लिए, लेकिन अगर हम वही शिक्षा के लिए बात कर रहा हूं तो हो सकता है कि शिक्षा के अधिपति बृहस्पति उनकी कुंडली में कहीं अच्छे स्थान पर बैठे हों और वो वहां से कुछ ऐसी स्थिति बना रहे हो कि व्यक्ति शिक्षा, अब शिक्षा हम कई हिसाब से देख सकते हैं, एकदम कागजों के हिसाब से देख सकते हैं, यहाँ भी कितनी डिग्रियां हासिल कर ली है, कितनी क्या क्या हमारे पास योग्यताएं हैं, और एक हमारे पास जो है एक स्वाभाविक ज्ञान होता है, तो वो हो सकता है कि पंचमेश वहां कमजोर पड़ रहा हो, लेकिन वहां बृहस्पति की स्थिति अच्छी होने के कारण वह व्यक्ति कागजी पढ़ाई से उठ करके जो उसका आध्यात्मिक ज्ञान है, जो उसका बौद्धिक ज्ञान है या जो उसका व्यावहारिक ज्ञान है वो मजबूत हो, तो इसलिए हम उसको थोड़ा अलग रूप से भी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम पंचमेश यानी संतान की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे दिन पंचमेश कहां बैठे। अगर पंचमेश आपका अच्छा है, केंद्र में स्वतंत्र होकर बैठा हुआ है या त्रिकोण के अंदर कहीं बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आप ये माने कि वो जो संतान भाव है वो मजबूत हो रहा है। अभी केवल हम भाव को समझे, ठीक है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि पंचमेश स्वतंत्र रूप से बैठा हुआ है या पापाक्रांत होकर बैठा हुआ है, या फिर कहीं दृष्टिगत संबंध कुछ ऐसा तो नहीं बन रहा है कि जहां से विषयोग उत्पन्न हो जा रहा है, तो उस चीजों में वो कमी लाने का काम कर देगा। अब गोचर के अंदर भी हमें वही चीज देखनी है और फिर हमें दशा में देखना है कि कौन सा चैप्टर हमारा चल रहा है। उत्तम संतान का योग कब बनेगा? जब अनुकूल ग्रहों में अनुकूल ग्रहों की दशा चल रही हो। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि मान लो यहां पर कुंडली के अंदर योग अच्छा है लेकिन उसमें दशाएं प्रतिकूल चल रही हैं, तो ऐसे में कारण कुछ भी हो सकता है लेकिन उसमें डिले होगा, चाहे वो एज फैक्टर आप मान लें कि हाँ एक आजकल विवाह में विलंब हो जा रहा है, उसके बाद संतान योग के फिर वो विचार नहीं कर रहे हैं, फिर अपने कार्यों में व्यस्त है, अपने कैरियर के लिए व्यस्त है, तो तब वहां पर फिर संतान योग में विलंब हो जा रहा है। या फिर जैसे मंगल, हम यहाँ पर जैसे स्त्री पुरुष ग्रह की बात कर लें तो मंगल यहाँ पर पुरुष ग्रह, सूर्य पुरुष ग्रह है और बृहस्पति पुरुष ग्रह, वहीं शुक्र और चंद्रमा ये दोनों स्त्री कारक ग्रह हैं और बुध है, शनि है, तो ये नपुंसक कारक ग्रह में माने जाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर तीन ग्रह ही पुरुष प्रधान हो रहे हैं, लेकिन वहीं गर्भ क्षीण होने में कहीं ना कहीं सूर्य और मंगल की जब बात आती है तो वो गर्भ क्षीण भी करते हैं, समझ रहे हैं। वो पंचमेश बनकर अच्छी स्थिति में बैठे हो तो शुभ कारक होंगे, लेकिन वही अगर पंचम भाव में मंगल बैठ जाता है, समझ रहे हैं, ये राहु बैठ जाता है, यहां कई बार विलंब भी करते हैं और कई बार गर्भ क्षीण भी करते हैं, तो वो स्थिति अलग अलग विचार विचारणी है, तथ्य वहां पर देखे जा सकते हैं। लेकिन कुल मिला के बात क्या है कि वहां पर अवरोधता उत्पन्न करेंगे। अब हम उसको गोचर काल में भी देखेंगे, गोचर में हमारे लिए पॉजिटिव या नेगेटिव, हो सकता है कि तब वो ग्रह गोचर में अनुकूल हो रहा हो और यहां पर भी अनुकूल हो तो और ज्यादा योग प्रबल हो जाएगा। मान लो यहां पर भी अच्छा है और वहां पर चल करके भी अच्छा है तो वो अच्छा अच्छा और अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर देखा कि यहां पर खराब है और वहां पर अच्छा हो गया तो उसका फल यहां तो खराब है लेकिन वहां पर जाके दशाओं में जाके और गोचर में जाके, अब दो चीजें हैं, मान लो हमने 30-30% में बांट लिया, ठीक है ना, या इसको यूं समझ लीजिए कि हमने तीन भाग कर दिए और तीन भाग में से दो भाग अगर मजबूत हैं तो फिर वो पलड़ा उधर भारी हो जाएगा, यहां पर भी आप बोर्ड सिस्टम मान लीजिए, तो इस प्रकार से उसको मजबूत किया जा सकता है। तो कैसे इसका योग बनेगा, संतान योग कब बनेगा, जब पंचमेश स्वतंत्र रूप से अच्छा बैठा हो, निर्बल ना हो और कहीं ना कहीं पापाक्रांत ना हो, दशाएं अच्छी चल रही हो, तो ये यहां पर संतान योग अच्छे बनेंगे, अनुकूल दशाएं होंगी, गोचर में भी वो आपके पंचमेश की या दशा चल रही हो तो निश्चित रूप से फिर यहां पर अच्छे संतान योग बनेंगे। तो अब हम अगले कार्यक्रम में खास इस प्रकार से चर्चा करेंगे उत्तम संतान योग कब और कैसे बनेंगे। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।